हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे शाम के टाइम आया था पार्सल, तो वही मैं ओपन कर रही थी। ये नोज पिन है, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ पास से। तो मैं पहले देखी थी कि ये कैसा आया है, लेकिन अच्छा आया था। तो ये मीशो से मंगाई हूँ, और ये आकृति के स्कूल में कुछ फंक्शन था उसी लिए मंगाया गया है इस टाइप के। तो वही उसके बाद से ना सुबह की टाइम है, और मॉर्निंग का मैंने अपना मॉर्निंग का काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो रात का क्लिप था थोड़ा सा, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। और ये हो गई है सुबह की टाइम, और सुबह की जो ऊपर के मेरा काम था वो सब कुछ हो गया है। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब मैंने कर लिया है। और ये 7 बजे की टाइम की ये क्लिप है, 7 बजे से अपना मैं ब्लॉग स्टार्ट की। और इतना छोटा सा दिन में पूरे दिन, मतलब इतना छोटा अभी दिन हो रहा है, ऐसे मैं अपना काम घर के कैसे करती हूँ पूरे दिन में, तो वही आप लोग के आज अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, तो वही मैं धुल रही थी, क्योंकि सारे बेड शीट उसी चेंज की हूँ यहाँ पे। तो वही मैं सोचा कि पहले मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ ये भी होगा। और मुझे जाना है नीचे, नीचे ना बहुत, मतलब 2-4 दिन हो गया था सफाई करना, तो नीचे के रूम के पूरा सफाई करना है मुझे आज। तो इसके लिए ना कोई अलग सा मतलब काम होता है, तो उसके लिए टाइम अलग से भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से ही झाड़ू लगाते जाऊँगी, और सीढ़ी पूरा मुझे झाड़ना है चारों तरफ का। तो वही मैं काम, यहाँ पे मशीन चल रहा है, और कपड़ा भी साथ के साथ धुलते जाएगा। ये सिर्फ नया ही कपड़ा है मेरा, 2-3 साड़ियाँ हैं नए नए, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बस 2 से 3 मिनट ही चलाऊँगी। मैं साड़ी ज़्यादा करके मशीन में नहीं धुलती हूँ, लेकिन 2 से 3 मिनट चलाऊँगी, ये साफ़ हो जाएगा। उसके बाद से मैं आ गई हूँ नीचे। ये वाला मेरा जो नीचे का घर है, इसमें कोई रहता नहीं है, इससे खाली पड़ा है। तो झाड़ू कभी, मतलब 2-3 दिन पर मैं लगाती रहती हूँ। तो मैंने कभी आप लोग को दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आज दिखा दे रही हूँ। तो ये है नीचे का मेरा बेसमेंट, ये बेसमेंट ही है, और जैसे कि अंडरग्राउंड, तो लेकिन अंडरग्राउंड के टाइप के नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट पे बना है ये घर मेरा। तो अभी तो फिलहाल कोई रह नहीं रहा है, पूरे लाइट लगा था, तो लाइट इसमें से ना बहुत सारा ख़राब भी हो चुका था, जैसे कलरफुल वाला लाइट लगा था तो बहुत सारा ख़राब हो गया था। और यहाँ पर मैं पूरे ऊपर से ना जो लगा था सब कुछ झाड़ रही हूँ, कि थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर लूँ, समय है अभी मेरे पास तो वही। और यहाँ पे पूरे अच्छे से जो जाला लगा था उसको सफाई कर रही हूँ, और जो तकट मतलब 2 ठो यहाँ पे तकट डाला गया है, एक गद्दा भी है कि कोई आएगा तो, मतलब अलग से कोई आ गया, मतलब मेहमान या कोई, तो यहाँ पे गद्दा डाल के और सो जाएंगे लोग। और सारा कुछ व्यवस्था इसमें है, पहले हम लोग इसी में रहते थे, लेकिन अब ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। ठंडी में क्या होता था ना, बहुत काफ़ी इसमें ठंडी लगता था, इस वजह से हम लोग ऊपर चले गए हैं। और गर्मी जब आती है ना, तब हम लोग इसमें आके इससे, मतलब इसमें एक कूलर लग जाता है, ऊपर पंखा है, और पूरे दिन हम लोग इसी में रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ठंडा रहता है हमेशा। तो वो वाला रूम तो मैंने साफ़ कर लिया, मतलब झाड़ू लगा दिया चारों तरफ से, और थोड़ा सा ये बरंडा जो है इसको झाड़ू लगाना ही है, तो चारों तरफ से झाड़ू लगाना है मुझे। और बहुत ज़्यादा कचरा भी हो गया था, क्योंकि ना मशीन जो मेरा ख़राब हुआ था ना, तो नीचे लेकर के आके बनाए थे लोग, तो इसीलिए थोड़ा सा कचरा हो गया था। यहाँ पे ईंटा लगाया गया है, इसको लेके जाना है अभी ऊपर, तो अभी फ़िलहाल कोई है नहीं कि इसको ऊपर भिजवाया जाए। तो ये मतलब ईंटा ईंटा जो है ना नीचे से रखा गया है, और इधर भी ये सीढ़ी, मतलब ये सीढ़ी भी, इस सीढ़ी से अगर मतलब जाना होता है तो आदमी ऊपर चले जाते हैं, और फिर से जो मेन गेट वाला सीढ़ी है उससे भी, मतलब दोनों तरफ से यहाँ पे सीढ़ी दिया गया है, ऊपर जाने के रास्ता है दोनों तरफ से। और यहाँ पे मैंने मशीन लगाया हुआ, आप लोग देखवे की है, तो यही है। और यहाँ पे चल रही है सफाई मेरा। ये ब्लॉग आप लोग के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। छोटा दिन हो तो अपना समय से, मतलब काम करने के अलग से समय निकालना पड़ता है, उसके लिए जल्दी उठना पड़ता है, तो थोड़ा सा मैं आज जल्दी उठी और पूरा काम करके ख़त्म की। उसके बाद से आगे नीचे, और नीचे के काम शुरू हो गया है। यहाँ पे मैं अच्छे से नीचे से झाड़ू लगा लूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये है मेरा नीचे वाला घर, जो कि मैंने साफ भी आप लोग के दिखाया, तो पूरे अच्छे से साफ मैंने कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। तो क्या होना, कभी 2-3 दिन पर ये इससे को मैं सफाई करती हूँ, और
एक बार मैंने अपना ब्लॉग में बताया है, नीचे मशीन वशीन बना के थोड़ा सा ज़्यादा ही कचरा हो गया था, तो इसे मैं साफ़ कर लूँगी। और पहले हम लोग इसी में नीचे ही रहते थे, आप लोग थोड़ा सा बैठ कर लो। यहाँ पे ना ये मतलब ऐसे खुला ही है अभी, और ये एक रूम है बड़ा सा, इसमें फ्रिज रखा गया, मतलब जो सामान यूज में नहीं है वो मैंने सारा नीचे ही रखा है, इसे पड़ा है तो इसलिए। और इसके बाद से ना यहाँ पे मूर्ति लगाया गया था पहले, जो कि मैं ऊपर लेके गई हूँ। और ये अब हो गई है मतलब नाश्ता पानी बनाने की टाइम, तो यहाँ पे बन रहा है। तो मैंने रात में चना भिंगो दिया था, तो मैंने सोचा था सुबह में बस घुघनी बनाएंगे, कच्चे चना काले वाले चने क्या पूड़ी या फिर एठा कुछ भी बना देंगे, नाश्ता में यही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज व्याज मैंने काट के इसमें डाल दिया है, मैं मिर्च भी हरा डाला है, लहसुन वसुन सब कुछ डाल के, और थोड़ा सा ना चना को बॉयल करके मैंने पहले से ही रख लिया है यहाँ पर, तो ये बॉयल हो चुका है। और यहाँ पे ना टमाटर भी डाल दे रहे हैं एक तो बड़ा सा, उसको मतलब इसे मिला के थोड़ा सा मसाला डालेंगे, और उसके बाद से ना इसे भून लेंगे। अच्छा लगता है इस टाइप के, अगर आप घुघनी या मतलब जो भी आप लोग बोलते हैं, हम लोग यही बोलते हैं, इसमें हल्का सा मसाला भी सारा जाएगा, और इसे बना के नाश्ता में यही है आज का। यहाँ पे मैं कांचा मतलब चना डाल दिया, इसे थोड़ा सा मिला लेंगे। अभी ये चना भी पक चुका है, मसाला भी पक चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब जल्दी से ही बन जाता है। तो देखिए इस टाइप के बन गया है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद से ना अब मैं आटा गूँथ लूँगी थोड़ा सा ही, और पूड़ी बनाएंगे आज। तो उसके बाद से नाश्ता पानी होने के बाद से ना मैं ये सिलाई करने बैठी हूँ। आप लोग देखे होंगे कभी, मतलब बहुत पहले एक ब्लॉग मैंने शेयर करती थी तो उसमें डालती थी, और फिर से ना ठंडी में मैंने छोड़ दिया था सिलाई करना। अब फिर से मैं थोड़ा सा धूप निकल रहा है ना, तो काम करने के सारा काम करने के बाद थोड़ा सा समय मिल रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें भी अपना ये सिलाई वाला काम थोड़ा सा चालू कर दूँ, क्योंकि मुझे सिलाई उतना नहीं आता है, लेकिन मैं भी ट्राई करती हूँ, सीखती रहती हूँ, अपने आप से काटती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। तो थोड़ा सा भी समय अगर बचता है पूरे दिन के काम करने में, तो मैं ये वाला काम शुरू कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना एक दिन मतलब दो तीन दिन हो गया इसको ब्लाउज को काट के रखी थी, और मतलब जैसे समय मिलता है वैसे। और कैप मैंने ना फर्स्ट बार इसे लगा रही, मुझे तो खुद ही पता नहीं था कैसे लगाया जाता है, लेकिन मैं भी यूट्यूब पर देखी थी कि कैसे लगाया जाता है। उसके बाद से ना इसे काट के और कैप लगा रही हूँ। और ये ब्लाउज का ना आप लोग स्टोरी सुनेंगे तो हंसने लगोगे, क्या हुआ था कि मैंने ना दोनों पार्टी मतलब ब्लाउज का जो अस्तर होता है उसका ना आगे वाला मतलब गला भी वही काट दिया था, और नीचे का डिज़ाइन भी मतलब दोनों पार्ट के एक ही तरह काट दिया था, तो वो गलत हो गया। तो इसको मैं बनाई हूँ, तो अच्छा खासा डिज़ाइन बन गया है, मैं आप लोग के दिखाती हूँ, पूरा सिल लेती हूँ उसके बाद। तो जो नीचे का मैंने ना एक दिन काटा था, तो उससे पट्टी वाला काट दिया था, जैसे पट्टी वाला होता है ना वो वाला ब्लाउज। और उसके बाद से ना जब मैं कल काटी थी ब्लाउज, तो देखी थी अस्तर नहीं कटा था, तो उसको मैंने क्या किया कि वो एक मतलब दूसरे डिज़ाइन के ही काट दिया था। तो अब तो दोनों गलत हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही डिज़ाइन बना लिया है, आप लोग के अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे चल रहा है सिलाई के काम, और मैं नापती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के ये जो आप लोग दिख रहे हो ना, ये पट्टी वाला मैं आगे के काटी थी, लेकिन अब इसे मैं पीछे कर ली हूँ, और इसे क्या क्या नीचे डिज़ाइन बना दिया है, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना है। मतलब कोई काम अगर आपको ये होता है ना, नहीं सीख रहते हो और बिगड़ जाते हैं, तो दिमाग लगाया जाता है, अगर अच्छे से दिमाग लग गया तो बन जाता है। तो यहाँ पे मतलब अच्छे से ब्लाउज बन गया है। अब फाइनली मैं कभी मतलब आज तो नहीं, इस वाले ब्लॉग में नहीं, लेकिन दूसरे ब्लॉग में अच्छे से बना लेंगे, तो आप लोग को पहन के दिखाएँगे वेयर करके कि कैसा बना है ये ब्लाउज। तो अभी तो इसमें टाइम लग जाता है ना, और बाबू भी है छोटा, तो उसको भी देखना होता है, तो इस वजह से देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से बना है। अच्छा कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना, मैं गले पर लेस लगाऊं या नहीं वो भी आप लोग बताना प्लीज़, कि अच्छा लगेगा कि नहीं। मैंने आगे वाले ना ये पीछे के पार्ट है, और यहाँ पे दो डोरी लगेगा जिसमें लटकन लगेगा, और उसके पास ये है आगे का डिज़ाइन। तो आगे वाले में तो मैंने लेस लगाया है,
आगे वाला में लेस लगाया, पीछे वाला में नहीं लगाया, तो आप लोग बताना कि पीछे भी गला पे लेस लगाऊं तो अच्छा लगेगा कि नहीं। और ये है बाजू, बाजू में भी डिजाइन है लेकिन फाइनल जब तो हो जाएगा तो आप लोग से बताऊंगी। घंटा हो गया है मुझे सिलाई बंद किए, तो आप लोग के दिखाया था उतना मैंने सिला है। क्या होता है ना कि अगर आप कोई काम फर्स्ट बार करो तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ, आज कुछ बनाना है मुझे, तो पहले तो इस मिर्चों को थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसे पीसना है और किचन को साफ़ करना है, उसके बाद से काम में लगेंगे। और बहुत तेज़ी से सर में दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने सिलाई करने बैठी थी इस वजह से। तो अब पहले चाय बनाएंगे, पियेंगे, उसके बाद से बाकी के काम करेंगे। अभी सिवान से सोया है।